अभी हम लोग को जो फैकल्टी ऐसे कहना नहीं चाहिए बट एलसी की फैकल्टी काफी बेटर है, काफी बेटर। मैंने स्टार्टिंग में कुछ क्लासेस उसके भी करे थे। ह्यूमैनिटीज की बात करें तो क्वेश्चन दिमाग में आता मेरे में, 12th आप लोग का क्या था, ह्यूमैनिटीज था कि साइंस था? साइंस था, मैथ्स सबका साइंस था। सब साइंस वाले आर्ट्स करने चले आए क्यों भाई? दोस्तों क्या आपने कभी सुना किसी का कि एक भैया थे बीएचयू में पढ़ रहे थे सोशल साइंस या आर्ट्स में पढ़ रहे थे और उनका यूपीएससी निकल गया? यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या आप? काइंड ऑफ मतलब कर रहे हैं, कर रहे हैं, चल रहा है। कभी क्या आपने या फिर आपके घर वाले ने, पिताजी ने जो आपके पढ़ाई का एक्सपेंस उठाते हैं, कभी सोचा था कि आप बीए करने आएंगे? गाय घुस रही है अंदर क्लासेस में, कुत्ते सोए हुए हैं। इट्स ओके, वी आर नेचर लविंग, लेकिन दे आर नॉट सपोज टू बी इन क्लास। तो इतना तो बेसिक हो सकता है कि एटलीस्ट गाय ना बैठी हो मेरे बगल में क्लास करते के टाइम। आर्ट्स फैकल्टी में गाय बढ़ जा रही है क्लास में। क्या नाम है सर? यशस्वी श्रीवास्तव। यशस्वी, सोचा था कि हम बीएचयू में बीए करेंगे और इंग्लिश लेंगे? नहीं सर, एक्चुअली नहीं। बीएचयू में लोग पूछते हैं कि यूपीएससी का माहौल है कि नहीं है, हम अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी या फिर कुछ भी, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी का बीएचयू में लड़के कर पाते हैं? नमस्ते दोस्तों, इस कुत्ते के कान में देखिए एक जुआ लगा हुआ है बहुत बड़ा, जिसे किलनी बोलते हैं भाई यूपी में, बनारस में। और ऊपर से हम आपको ये बताने वाले हैं कि हमें कहाँ मिला भाई, ग्रेजुएशन के क्लास में, आर्ट्स फैकल्टी में। आर्ट्स फैकल्टी में घूम रहा है ये काला सा कुत्ता। कला संकाय से ग्रेजुएशन तो नहीं कर रहा है लेकिन बहुत ही प्यारा है। और किसके सामने बैठा है? आधुनिक क्लासरूम के सामने बैठा हुआ है। बोलोगे क्या? देखो ये जालिम दुनिया बहुत ही परेशान करती है, कहीं निकल लो बेटा, आर्ट्स फैकल्टी पहले से बदनाम है, जानते हो कि नहीं? लगेंगे सब मारने, भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। उधर देखो कैमरे की तरफ, उधर देखो, उधर उधर देख के एक बार बता दो, ये देखो। तो हम इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ करके हम थोड़ा सा अंदर चलेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। साइकिल लगी हुई है यहाँ पे, क्लास में अंदर घुसने का माहौल सोचिए। ये देखिए ब्रेंच लगे हुए हैं, सभी ब्रेंच बाहर रखे हुए हैं, कुछ ब्रेंच वहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो ये अंदर का क्लासरूम है। फोकस देते रहिएगा, दिखाते रहिएगा। ये साइकिल एकदम ताला लगा करके बढ़िया से रखी हुई है, कोई इसको चुरा नहीं सकता, मतलब कोई भी नहीं लेके जा सकता। बैंक चोरी हो सकता लेकिन इसकी चोरी नहीं हो सकती। और हम हैं क्लासरूम में। क्लासेस चल रही हैं क्या? ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। क्लासरूम का माहौल लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये भी देखिए, ओके। इको सेंट्रिक क्या होता है? इको सेंट्रिक ये होता है जब हम चीज़ों को ह्यूमन पर्सपेक्टिव से नहीं, सारे पर्सपेक्टिव से, नेचुरल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अच्छा, कि हमारे ये क्लास सिर्फ हमारे लिए नहीं, सभी लोगों के लिए है। ये इथिक्स से जुड़ा हुआ है क्या? कुछ एथिक्स से जुड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया यार, ये होता है। देखिए ग्रुप डिस्कशन और सेल्फ स्टडी चीज़ें ऐसी एग्जिस्ट करती हैं। बीएचयू में भी लोग आर्ट्स फैकल्टी में पढ़ाई करते हैं ऐसे बैठ करके। आपका पर्सपेक्टिव पर ये आपका इमेज गलत है आर्ट्स फैकल्टी के बारे में। इमेज गलत तो है ही, अगर आप थोड़ा सा किसी भी फैकल्टी वाले से पूछेंगे, जैसे साइंस वाले से पूछेंगे, 2-3% लोग हैं जो करते हैं, आप उसके हिसाब से बाकी 97% का इन्फ्लुएंस इमेज तो नहीं खराब कर सकते ना। सही है, एक जो रामायण थी वो पहले लिखी जा चुकी है और वही लोग गाते रहते हैं। गाते हैं तो रामायण को चेंज होने की जरूरत भी है। जरूर है। क्या नाम है? योगेश राज। क्या बोले सर? रामायण में तो कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। चेंज होता रहता है, कई लोग अपने तरीके से कई तरीके के रामायण लिखे हैं, ऐसा भी नहीं है ना। अलग नजरिया होता है तो जिसको जो अच्छा लगता है वो उसमें ऐड कर देता है। रामायण के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं क्या? जो अलग अलग लोग लिखे हैं तो क्या सोच के लिखे होंगे, क्यों अलग अलग लिखे हैं? कई अध्याय में लिखा है कि सीता की, मतलब सीता को जानते थे पहले से रावण की वो देवी हैं, उनको लेके गए और उनको मुक्ति मिल जाए। और कई लोग बोलते हैं, कई सारे लोगों ने लिखी, कई सारे कवि हुए। सबसे पहली रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी, उसके बाद तुलसीदास जी ने लिखी थी, और एक साउथ के कवि हैं कंबन, उन्होंने भी रामायण लिखी है। उन्होंने मतलब जो कई सारे चलचित्र हैं उनको एक अलग माध्यम से दिखाया है रामायण में उन्होंने। जैसे एक मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जैसे जब सीता को रावण उठा के ले गया था, तो जो नॉर्मल जो रामायण है वाल्मीकि और तुलसीदास, उसमें लिखा था कि सीता, वो रावण सीता जी का हाथ पकड़ के जबरदस्ती ले गया था। लेकिन कंबन ने अपने जो रामायण में लिखा है कि सीता इतनी पवित्र थी कि उनको कोई भी व्यक्ति टच नहीं कर सकता था, तो वो सीता को पूरी कुटिया सहित उठा के ले गया था। तो इस तरह के कई सारे चलचित्र जो हैं वो आपको अलग अलग रामायण में अलग अलग तरीके से देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत आध्यात्मिक की बातें हो गई,
अब हंस रही थी यार। अध्यात्म की बातें होती हैं और युवा पीढ़ी हंसने लगती है तो बुजुर्ग बुरा मान जाते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हंसने देती है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हम बुरा नहीं माने, हम तो बुजुर्ग नहीं है, लेकिन जो दर्शक बुजुर्ग होते हैं उनको लगता है देखो हमारे संस्कृति पे कोई हंस रहा है। नहीं, संस्कृति पे ऐसा बिल्कुल नहीं है, संस्कृति से हम लोग बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। हाँ, बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये जो बातें हैं ये बस क्या है कि पढ़ाई लिखाई में चीजें आ जाती हैं। अगर आप किसी भी कोर्स में हिंदी लेते हैं तो कोई नॉवेल छोटा सा फिर अध्याय पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाया, बहती गंगा पढ़ाया जाता है, ऐसे बुक्स होते हैं, वैसे ये भी चल जाते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन के तौर पे इतना हमें मालूम है तो काफ़ी है, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाले हैं। आप लोग यहाँ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लगभग 100 साल से भी पुराना क्लासरूम है, वहाँ ईंट दिख रहा है ऊपर, अभी तो ढलैया का ज़माना आ गया है ना, ढलैया होता है, तो क्या लगता है इस क्लासरूम में बैठ के कैसी फीलिंग आती है बताइए? क्लास अब वो प्रोफेसर पर डिपेंड करता है, अच्छे प्रोफेसर रहते हैं तो उतना कोई मायने नहीं रखता अगर अच्छे प्रोफेसर पढ़ाते हैं तो, लेकिन अगर वो वही चीज़ है कि कौन कैसा पढ़ा रहा है, फिर अगर बोरियत होती है तो कहीं भी हो सकती है, मतलब अगर पढ़ाई अच्छी नहीं होती है तो वहाँ पे भी हो सकती है बोरियत, वहाँ पे भी हो सकती है। जैसे हमारे टीचर अच्छे मिल रहे थे, हम लोग यहाँ बोरियत नहीं हो रही है। सेल्फ स्टडी के लिए अभी ये टेम्पररी टीचर मिले हैं, कितना आप लोग फर्स्ट ईयर किस ईयर में? नहीं, हम लोग थर्ड ईयर में। अच्छा, कुछ लोग ना जो यहाँ पे आना चाहते हैं, देखिए पहले के ज़माने में तो ज़मीन पे बैठ के भी पढ़ाई होती थी, हमारे और आपके पिताजी टाट पट्टी लेकर के बोरिया लेकर के गए होंगे पढ़ने के लिए, पूछेंगे तो ये बढ़िया ब्रेंच नहीं मिला होगा बैठने के लिए। लेकिन आज के ज़माने के लड़कों को चाहिए एकदम हाई टेक क्लासरूम, प्रोजेक्टर, स्मार्ट क्लास, तो ये सब चीज़ें देख करके वो डर जा रहे हैं कि मैं इतना पढ़ लिख करके CUET में टॉप करके आ रहा हूँ और हमें मिल रहा है क्या ये छोटा सा क्लासरूम। एक्चुअली चाहिए हम लोगों को वैसा ही माहौल पढ़ने का, और ऐसा लगता है कि हम लोग किसी गवर्नमेंट स्कूल में आके पढ़ रहे हैं, मतलब जो बच्चे नीचे बस बैठ के, यहाँ बस बेंचेस है, बाकी सब कुछ तो वही है, और प्रोजेक्टर वोजेक्टर तो सबको चाहिए, क्लास में अगर हो तो ज़्यादा अच्छा अवेलेबल होगा तो अच्छे से पढ़ाई होगा। तो भाई ये बताओ कि अगर BHU से BA कर लिया हमने तो क्या कर लिया, मतलब इतना टॉप यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया है, हाँ, तो फिर मतलब ऐसा माहौल, मतलब फेम होता है, पहली बात तो फेम होता है। गांव वाले दादाजी तो बोलेंगे अगर BA कर ले ला मर्दो। नहीं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, मैं यही मुगलसराय का रहने वाला हूँ, वहाँ पे BHU का बहुत बड़ा नाम है कि हाँ लड़का BHU से पढ़ रहा है, भलो BA करे तो करे, आफ्टर ऑल इट्स प्रेस्टीजियस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। हाँ, लोग को दिखता है कि यहाँ हॉस्पिटल वाली फैकल्टी है और सब कुछ है। इसमें से UPSC का प्रिपरेशन कौन कर रहा है, कोई कर रहा है क्या? कोई नहीं कर रहा है। अरे यार, आपका शक्ल देख के लग रहा है कुछ ना कुछ तो प्रिपरेशन चल रही है। मैं अपने आपको बेटर करता हूँ हर दिन, और UPSC की प्रिपरेशन नहीं कर रहा। UPSC की नहीं चल रही है यार, स्मार्ट लग रहे हैं आप, क्या सब्जेक्ट मिला आपको? स्मार्ट तो आप भी लग रहे हैं। क्या सब्जेक्ट मिला आपको? इंग्लिश ऑनर्स। इंग्लिश ऑनर्स, इंग्लिश वाले तो यार स्मार्ट होते हैं, ऑलराउंडर होते हैं इंग्लिश वाले। क्या चीज़? सौरभ द्विवेदी से कंपैरिजन। मेरा कंपैरिजन? अरे कई बच्चों से यूट्यूब के लिए बना रहे हैं, मैं भी यूट्यूब पे काम करता हूँ। मेरी टीम ने कभी बताया नहीं है यार, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, लगभग एक आध दो बार लोग बोले हैं, लेकिन चैनल है नवोदय वाला करके। आपका चैनल है? हाँ। क्या चैनल है बताइए, खुल के सब्सक्राइब करिए इनके चैनल को। क्या नाम है? नवोदय वाला। हाँ। कितने वीडियोस अपलोड किए हैं? वीडियोस ये 170 के आसपास। 170? वाह। नवोदय क्या पढ़ाते हैं भाई? नहीं, वो स्कीम से रिलेटेड है, मतलब हाउ टू डू समथिंग ऑनलाइन एंड गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जैसे कुछ आती हैं तो वैसे मैं बताता हूँ। एजुकेशन से जुड़ा है ना? हाँ, एजुकेशन से, कुछ ब्लॉग भी हैं उस पर। जब आया था स्टार्टिंग में यहाँ बनारस तो घाट वगैरह घूमा था तो ब्लॉगिंग करा था उस पर। हम आज तक अपने चैनल पर घाट नहीं दिखाया यार, लेकिन भाई साहब दिखाए हैं, तुरंत जाइए घाट का वीडियो देखिए। नवोदय के बारे में कुछ बातें बताएंगे, कोई नई नई स्कीम्स बताएंगे गवर्नमेंट और एजुकेशनल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट कोई स्कीम लॉन्च करती है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ यूपी कोई भी स्कीम लॉन्च करती है या, तो उससे रिलेटेड बताता हूँ। लगे हाथ एक बात बता दीजिए आप सभी लोग, दिखाइए सबको, सबका इंग्लिश है क्या? सब इंग्लिश वाले मिल गए हैं भाई, इंग्लिश BHU से इंग्लिश पढ़ना। कई लोगों का ये प्रेफरेंस रहता है कि इंग्लिश पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, स्टैटिस्टिक्स पढ़ें, इकोनॉमिक्स पढ़ें, तो इंग्लिश पढ़ने में भाई क्या मज़ा आ रहा है बताओ? इंग्लिश पढ़ने में अपना अपना सर इंटरेस्ट है मेनली तो कुछ। क्या नाम है? हम सर यशस्वी श्रीवास्तव। यशस्वी, सोचा था कि हम BHU में BA करेंगे और इंग्लिश लेंगे? नहीं सर, एक्चुअली नहीं, क्या होता है यहाँ पे सब्जेक्ट अलॉट हो जाता है कि रैंक के हिसाब से आपको सब्जेक्ट, आपकी प्रेफरेंस भरते हैं और सब्जेक्ट अलॉट हो जाता है कोई ना, तो वो प्रॉब्लम काफ़ी बच्चे यहाँ फेस करते हैं।
बाकी हालांकि एक ऑप्शन होता है ज़रूर बाद में थर्ड ईयर में आके कि आप ऑनर्स चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी बच्चे इसमें से तो पता नहीं, बाकी काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ऑनर्स सब्जेक्ट मिल जाता है। प्रेफरेंस इंट्री में बहुत प्रॉब्लम आती है बी एच यू के स्टूडेंट को। ऑनर्स आप चेंज कर सकते हैं फिफ्थ सेमेस्टर में आकर के, लेकिन आपके पास तीन ही ऑप्शन रहते हैं ना भाई, कोर में जो सब्जेक्ट आपके पास होंगे सिर्फ उसमें इंटरचेंज आप हो सकते हैं। तो आप अगर अच्छा नंबर लाएं तो अच्छे अच्छे प्रेफरेंस ऊपर दें। ये इंग्लिश कितने मतलब कैसा सब्जेक्ट है इंग्लिश बी एच यू का? आर्ट्स में मेन सब्जेक्ट है एक इंग्लिश है, एक ज्योग्राफी है और बाकी कुछ लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, बाकी सब AISC है, बाकी सब फालतू सब्जेक्ट्स हैं। लोग बोलते हैं AISC का सिर्फ स्ट्रेंथ ज़्यादा है इसलिए AISC बहुत अच्छा माना। नहीं नहीं, इट्स अ गुड सब्जेक्ट। हाँ, क्या बोल रहे हो? अगर अभी हम लोग को जो फैकल्टी, ऐसे कहना नहीं चाहिए बट AISC की फैकल्टी काफ़ी बेटर है, काफ़ी बेटर। मैंने स्टार्टिंग में कुछ क्लासेस उसके भी करे थे AISC के, तो वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, मतलब बेसिक से स्टार्ट करते हैं और काफ़ी बायलिंगुअल रहता है और काफ़ी सही रहता है। हाँ, ज्योग्राफी स्टैटिस्टिक्स। और आप लोग इस समय किसके पढ़ाई कर रहे हैं भाई? क्या पढ़ाई चल रही है अभी? हिस्ट्री। एज ऑफ चौसर। क्या है इसमें कुछ बताएं? एज ऑफ चौसर, जेफरी चौसर के फादर ऑफ इंग्लिश मॉडर्न, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कंसीडर किए जाते हैं, उनके बारे में है। चौसर कैसे इन्फ्लुएंस किए थे राइटिंग को, कैसे राइटर लिटरेचर को, बिगनिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। ये सब पढ़ाया जाता है यहाँ इंग्लिश? बिल्कुल। लोगों को लगता है इंग्लिश में इंग्लिश का पूरा हिस्ट्री पढ़ाया जाता है यहाँ पे, कैसे इंग्लिश की उत्पत्ति हुई, कहाँ जाकर के चीज़ें रुकती हैं, क्या चीज़ें नई उभर के आती हैं, सारी चीज़ों को। नॉवेल, बेस्ट नॉवेल, कोई बढ़िया नॉवेल बताइए दर्शक पढ़ें। प्राइड एंड प्रेजुडिस, जेन ऑस्टन। फिर द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन बाय मार्क ट्वेन है, बहुत बहुत सारी नॉवेल है। और फिर आपका पैराडाइज लॉस्ट है जॉन मिल्टन का। मैं भी पढ़ने की कोशिश करूँगा। UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या आप? काइंड ऑफ कर रहे हैं। चल रहा है, पढ़ रहा हूँ मैं। कहीं से ऑनलाइन कोचिंग या फिर क्लास का सब्सक्रिप्शन लिया क्या? बायजूस कर लिया। बायजूस का खुद लिया था कि किसी ने दे दिया? नहीं, मैंने लिया था 2020 में ही लिया था। कई लोग बायजूस में गए थे ना, कि इस समय अपने ही BHU के कई लोग हैं बायजूस में काम कर रहे हैं, तो उनका काम ही यही है कि इवन आई हैड समवन फ्रॉम माय फैमिली, बट मेरा भी लगा था, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिला था। कंटेंट कैसा बना रही है बायजूस? बायजूस इफ यू टॉक क्वालिटी, इट्स द बेस्ट इन माय ओपिनियन। बाकी इट्स गुड, इफ यू आर, द थिंग इज इट्स सेल्फ पेस्ड, तो अगर आप सिंसियर हो तभी हो पाएगा, वरना फिर प्रॉब्लम। समझ गया, एकदम अटकिए नहीं, अभी इंटरव्यू देना है भाई आगे। क्या नाम है? शशांक शेखर। यस, हमारा भी एक मित्र था शशांक शेखर सिंह। ओके, मैं सिर्फ शशांक शेखर देखे हैं आप। BHU में लोग पूछते हैं कि UPSC का माहौल है कि नहीं है, हम अदर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC या फिर कुछ भी, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, का BHU में लड़के कर पाते हैं? एक चीज़ तो मिलते हैं यहाँ पे कि वो थोड़ा एक्सपोजर मिलता है, सेम सा ग्रुप मिलता है कि बहुत सारे लोग UPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके साथ अपना एक्सपीरियंस है करने का, वो भी चीज़ें बताते हैं कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें तो मिलती हैं। ये तो है, माहौल है यहाँ पे UPSC का, माहौल है बच्चों के कारण, क्योंकि वैसे लोग मिल जाते हैं तो इसलिए कह सकते हैं। चलिए, एक विचित्र क्वेश्चन, ये उनका क्वेश्चन है जो जलते हैं BHU से, मुँह तोड़ जवाब दीजिए। तो लोग पूछते हैं, अभी आप थर्ड ईयर में है ना? राइट, तो 3 सालों में कभी सुना कि हमारे किसी एलुमनाई ने UPSC क्वालिफाई किया? सुना तो है, मैं भी नाम बता नहीं सकता हूँ, लेकिन सुना तो है। बहुत जनता बढ़ती है यहाँ पे भाई। आप कह रहे हैं आप मिलने जाते हैं लोगों से, या फिर आपको वो इन्वायरमेंट मदद करता है, राइट, तो आप कैसे नहीं मिले उन लोगों से? नहीं, मैं उनसे मिल रहा हूँ जो कि मेरे बैच में है और प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका 23 में या 24 में अटेम्प्ट होगा, वैसे लोगों से मिलता रहता हूँ, तो वैसा एक्सपीरियंस है करने का। बाकी सुनता तो रहता हूँ कि इन्होंने ये करा, इन्होंने वो करा, कभी मिलने का मौका नहीं मिला। आई वुड लव टू मीट देम, बट अभी तक मौका नहीं मिला किसी से मिलने का वैसा जिन्होंने क्लियर करा हो। चलो, एक इधर कितने लोग बैठे हैं ऐसे दिखाइएगा। तो देखिए, बहुत लोग बैठे हैं और सभी लोग छात्र हैं लास्ट ईयर के। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना किसी का कि एक भैया थे BHU में पढ़ रहे थे, सोशल साइंस या आर्ट्स में पढ़ रहे थे और उनका UPSC निकल गया? IIMS का या फिर कोई था जो, मतलब IIMS और IIT की बात नहीं हो रही है? नहीं, आर्ट सेकेंडरी, आर्ट सोशल का तो नहीं सुना है। ह्यूमैनिटीज की बात कर रहे थे, क्वेश्चन दिमाग में आता मेरे में, 12th आप लोग का क्या था, ह्यूमैनिटीज था कि साइंस था? साइंस था, मैथ्स सबका साइंस था। सब साइंस वाले आर्ट्स करने चले आए, क्यों भाई? क्योंकि एक अच्छी कॉलेज नहीं मिली थी, हम सोचे ड्रॉप लेना नहीं चाहते थे, तो यहाँ आ गए।
यहाँ आ गए। अच्छा कभी जैसे कि एक क्वेश्चन किससे पूछूं, बुरा मत मानिएगा यार, मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, बायोलॉजी से पढ़ा हूँ और यहाँ से मैं ग्रेजुएशन जोग्राफी से कम्प्लीट किया, कभी क्या आपने या फिर आपके घर वाले ने, पिताजी ने जो आपके पढ़ाई का एक्सपेंस उठाते हैं, कभी सोचा था कि आप बीए करने आएंगे? मेरा तो डिसीजन क्लियर था कि मेरे को वही बी ऑनर्स ही करना है। झूठ तो नहीं ना? नहीं झूठ नहीं। आप बताइए। नहीं ऐसा टेंथ तक था कि साइंस करना है। साइंस करना, डॉक्टर बनना? नहीं ऐसा कुछ, वो भी डिसाइडेड नहीं था क्योंकि साइंस भी अच्छा लगता था, मैथ्स भी अच्छा लगता था। फिर प्रॉब्लम ये हुई कि 11th में कोचिंग ज्वाइन कर लिया, तो फिर वहाँ पे साइंस को एज अ, मतलब साइंस काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट था 10th तक, लेकिन उसको सिर्फ रट के कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं आईआईटी में इसलिए पढ़ो, साइंस को समझने के लिए मत पढ़ो, मेरा कोचिंग ऐसा था। आर्ट्स को समझ रही हैं आप काफ़ी कुछ, फिलोसफी की स्टूडेंट नहीं है? फिलोसफी भी है क्या कोर वोर में? फिलोसफी नहीं है। किसका आप लोग का फिलोसफी है? सबसे बेकार चीज़ फिलोसफी की क्या है? सब सब हाँ, कभी पढ़े नहीं, 2 साल तो पढ़े नहीं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में बस ओवी में निकल गया, एक अच्छा नहीं आता। और क्लासेस के लिए लोग बोलते हैं कि ये जो दीवारें हैं सब खराब हो गई हैं, उधर दिखाइए दीवारें एक बार, सब दीवारें खराब हो गई हैं, झाले लगे हुए हैं, वेंटिलेशन का क्या सिस्टम है? बहुत बढ़िया सिस्टम है, वेंटिलेशन बढ़िया है, बस एक ये बता सकते हैं। बगल में रोड है, उससे दिक्कत होती है। रोड से दिक्कत होती है, गाड़ी आते जाते, गाय घुस रही है अंदर क्लासेस में, कुत्ते सोए हुए हैं। इट्स ओके, वी आर नेचर लविंग, लेकिन दे आर नॉट सपोज टू बी इन क्लास, तो इतना तो बेसिक हो सकता है कि एटलीस्ट गाय ना बैठी हो मेरे बगल में क्लास करते के टाइम। आर्ट्स फैकल्टी में गाय बैठ जा रही है क्लास में? मैं फोटो, एक मिनट मैं फोटोज दिखाता हूँ, फोटोज दिखा अगर मिल जाए तो। अभी मैंने सुना था एटीएम में गाय बैठ गई, वायरल होता हो रहा था एक न्यूज़ पे तस्वीर, एटीएम में गाय बैठ गई। गाय तो कहाँ कहाँ नहीं बैठी है, गाय तो हर जगह बैठी है, लेकिन आर्ट्स फैकल्टी में भी गाय बैठ गई, मतलब एजुकेशन पे, एजुकेशन पे गाय बैठेगी तो फिर भाई गंदा भी करेगी, और गंदा करेगी तो मतलब समझ रहे हैं एजुकेशन का क्या हाल होगा। फोटो खोज रहे हैं, ज़्यादा समय लगेगा क्या? हाँ, कुछ एक फोटो खोज रहे हैं। इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे फार्म खोल सकते हैं। क्या चीज़? इम्प्लीमेंट करके एक फार्म खोल सकते हैं ताकि बच्चे वहाँ पे जाके सीखे भी कि कैसे हम लोग करते हैं कल्चर, उनका मैनेज करते हैं पैश्चर फार्मर। बहुत सही क्वेश्चन है, मतलब एक आप यहाँ पे एक छोटा सा फार्म खोल दो, वहाँ पे कुछ बच्चों को एग्रीकल्चर वाले को भेज दो जो हमें बताए कि कैसे करते हैं। बहुत सही, एग्रीकल्चर तो कुछ नया नॉलेज मिलेगा, एक यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्स का नॉलेज मिलेगा। एग्रीकल्चर वालों को भी थोड़ा समझना चाहिए दिमाग से, कि उन लोगों को अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि गाय हमारी माता है, गाय अगर आ रही है तो उन्हें कुछ इम्प्लीमेंट कर दें हमारे। अच्छा गौशाला है यहाँ पे बीएचयू में, सुना है? शायद तो है एग्रीकल्चर की तरफ या गौशाला है। हाँ, सभी गायों को वहाँ ले जाकर के नहीं छोड़ रहे हैं आप लोग? अब ये हमारा काम तो नहीं है, हमारे पास गुड टाइम नहीं है। तो किसका काम है ये वैसे? ये तो अथॉरिटीज़ का काम है, बीएचयू प्रशासन का काम है। अब बीएचयू प्रशासन बोलेगी क्या, हम गाय हांकने के लिए पैदा हुए हैं क्या? और पता है ऐसा नहीं है कि हम लोग खुद से अटेम्प्ट नहीं करते हैं चीज़ें करने की। मैंने कोशिश करा था मधुबन में, जैसे बच्चे हैं वहाँ पे वो आते हैं और फिर खाने को मांगते हैं, मैंने कोशिश करी थी कुछ कहीं से भी, यहाँ तक कि मैंने एनजीओज को कॉन्टेक्ट करने का कोशिश किया यहाँ पे, और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से तो कॉन्टेक्ट करना एक तरह से व्यर्थ होता है, मेरे खुद के काम नहीं होते ये सब काम, तो वो करने से रहे। एनजीओज भी यहाँ पे उतनी रिस्पॉन्सिव नहीं है, नॉट जस्ट इन बीएचयू, इन द इंटायर बनारस। आई ट्राइड माई बेस्ट, आई कुडंट, आई वॉन्टेड टू ट्राई ऑन माई ओन, लेकिन सब कुछ अभी सेमेस्टर इंटर लेवल कितना इस समय आपका, मतलब यूपीएससी निकाल लेंगे इस तरह से तो नहीं। हंसी नहीं यार, आप लोग सब लोग हंसने लग रहे हैं। जिस तरह से अभी जा रहा हूँ उस तरह से नहीं, लेकिन आई हैव फेथ ऑन माई सेल्फ, एंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट आई लव द प्रोसेस, तो शायद इसलिए मैं उसमें और अच्छे से लग पाऊंगा, जितना जरूरत होता उस तरह से लग पाऊंगा। प्रोसेस में बिलीव करना मतलब अपने काम से प्यार करना, जो आप कर रहे हैं शिद्दत के साथ करना, लगे रहिए। और गाय वाली वीडियो, ये गाय वाली वीडियो है, लेट्स सी, ये गाय है क्लास में बैठी हुई है, ये आर्ट्स फैकल्टी का क्लासरूम है भाई, छोड़िए क्या बताएं, क्या यही थंबनेल बनने वाला है क्या कि बीएचयू क्लास में मिली गाय? नहीं यार ऐसा कुछ नहीं, हम गंदा थंबनेल नहीं बनाएंगे, बीएचयू की हमेशा तारीफ करेंगे, बीएचयू चाहे जो भी हो जाए, चाहे दीवार पर पेंट लगा हो ना लगा हो, ब्लैक बोर्ड लगा हो ना लगा हो, चाहे चीज़ें क्लासरूम में स्मार्ट क्लासेस लगी हैं या नहीं लगी हैं, पंखे हमारे जन्म के पहले के भी होंगे, हवा भी नहीं दी होंगे तब भी हम तारीफ बतियाएंगे, वो आवाज़ पंखे आवाज़ भी करते हैं, मतलब पंखे जो हैं वो बातें करते हैं छात्रों से। क्या बस गिरना बाकी है? गिरना बाकी, अभी तो बातें कर रहे हैं, अगर आप उन लोगों से बात नहीं करेंगे तो गिर जाएंगे।
जब मूड खराब हो जाएगा उन सबका तो गिर जाएंगे। परस्पर संवाद बनाए रखिए पंखे से, पंखे में भविष्य, गाय क्लासरूम में। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज साथ, तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।